हेलो गाइस, दिस इज़ मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। सन फार्मा, पूरा फार्मा सेक्टर आज डाउन है। आप सभी देख सकते हैं मार्केट में फार्मा सेक्टर की पिटाई हो रही है बुरी तरह। आप कह सकते हैं फार्मा की सेहत ख़राब। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है फार्मा के लिए, तो नीचे क्यों है? तो आज हम लोग बात करेंगे सन फार्मा शेयर के बारे में। जिनके पास पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एवरेज करना चाहिए या क्या उनके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है शेयर, या जिनके पास नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए तो किस लेवल पे करना चाहिए, सारी बात करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:04, 645 पे ट्रेड कर रहा है शेयर, 14 रुपये नीचे है। नॉर्मल डिटेल दे देते हैं आज की। आज का हाई था 665, लो है 642, लो पे ही ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम जो इसमें आज जुड़े हैं गाइस 5 मिलियन के हैं अभी तक। एवरेज वॉल्यूम 7.3 मिलियन के हैं, एवरेज वॉल्यूम से कम है, तो ये कोई नॉर्मल सी बात है, मतलब कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है। ये तो हो गई अपनी आज की डिटेल। बात कर लेते हैं गाइस शेयर का मार्केट कैपिटल कितना है। तो मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 1,56,076 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। मैं आपको बता दूं फार्मा शेयर्स में सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल सन फार्मा का ही है। बात कर लेते हैं इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में गाइस। तो मैं पिछले 3 साल का अर्निंग पर शेयर देख रहा हूं गाइस। सन 2018 में था 9 का, सन 2019 में 11.10 का, सन 2020 में 15.70 का, ये था अर्निंग पर शेयर गाइस। शेयर का एवरेज पीई जो है, पीई आप सभी को पता होगा, एवरेज पीई जो है 5 साल का 24 से लेके 170 के बीच में शेयर घुमा है, एवरेज नहीं है, इसके बीच में रहता है। अभी जो चल रहा है इसका करंट पीई वो 66 रुपये का चल रहा है गाइस। 66 तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें बहुत ऊपर तक की गुंजाइश है, जो कि 170 तक पीई इसका जा चुका है। नीचे में 24 का पीई है, तो वहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं आया, 24 से 66 पे ही है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही है। ये तो होगी गाइस ईपीएस की बात। ऑनरशिप की बात कर लेते हैं, किस पे कितने फंड्स हैं, सॉरी किस पे कितने किसकी होल्डिंग है। तो गाइस प्रमोटर की बात कर लेता हूँ। जून 2020 में 54.69% प्रमोटर्स के पास थे। सितंबर 20 में भी सेम था, दिसंबर 20 में कम हो गए हैं गाइस थोड़े, 54.48% रह गए, और मार्च 21 में अभी भी सेम है। म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं गाइस। जून 2020 में 10.52% था म्यूचुअल फंड के पास, सितंबर 20 में 10.71% था, दिसंबर 20 में 10.99% और मार्च 21 में 11.93%। तो गाइज म्यूचुअल फंड की इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में वो लोग अपनी इंक्रीज कर देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। FIIs की बात कर लें गाइज, तो सबसे पहले 12.7%, फिर 12.38%, 12.19 और 11.7 FIIs अपनी डिक्रीज कर रहे हैं इसमें। ये तो हो गई गाइज शेयर होल्डिंग की बात। की रेशोस जान लेते हैं कंपनी के, की रेशोस देख लें तो गाइज सबसे पहले मैं ROE की बात कर लूँगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। सन 2018 में थी गाइज 5.67, सन 2019 में 6.43, सन 2020 में 8.31। ROE भी इंक्रीज़ हो रही है, अच्छा होता है कंपनी के लिए, बट मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा खास ROE नहीं है सन फार्मा की। और वैसे भी सन फार्मा ने पिछले 4-5 साल में अंडर परफॉर्म करा है, क्योंकि गाइज सारे फार्मा सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं इस टाइम, लेकिन सन फार्मा और कुछ फार्मा शेयर्स और हैं जो कि अभी ऑल टाइम हाई से हाफ पे ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सन फार्मा का हाई गाइस 1100 रुपये के करीब है, और अभी ये 600 रुपये पे चल रहा है, 650 पे, तो कुछ अच्छा नहीं करा कुछ ज़्यादा पिछले पाँच साल में। सेल की बात कर लेते हैं गाइस। सन 2018 में सेल्स जो आई थी 26,415 करोड़ की थी, सन 2019 में गाइस 29,065 करोड़ की सेल आई है, और सन 2020 में 30,837 करोड़ की सेल है। काफ़ी अच्छा है, सेल बढ़ रही है गाइस, ये अच्छी बात है। चलो सर गाइज ये तो हो गई इस अपनी की रेसोर्स के बाद। फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं गाइज। फाइनेंशियल में अपन सबसे पहले जान लेते हैं कि गाइज रेवेन्यू सन 2018 में जो गाइज रेवेन्यू था 27,254 करोड़ का था, सन 2019 में 30,091 करोड़ का, सन 2020 में 33,473 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है। एक्सपेंसेस जान लेते हैं। सन 2018 में 22,824 करोड़ थे एक्सपेंस,
सन 2019 में 25,066 करोड़ हो गए, सन 2020 में 28,203 करोड़ हो गए। एक्सपेंसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो गाइस एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही जब मार्केट में कंपनी का काम चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले देख, सन 2018 में 2633 करोड़ का प्रॉफिट था, 19 में 3209 करोड़ का प्रॉफिट था, और 20 में 4187 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस काफ़ी अच्छा काम हो रहा है कंपनी का, आप देख सकते हैं। ये हो गई गाइस फाइनेंशियल की बात। मैनेजमेंट में बता दूं, इस टाइम जो चेयरमैन है इसके मिस्टर इसराइल मैकाओ हैं। तो गाइस ये थी सारी जानकारी आपको शेयर के ऊपर। अब गाइस बात कर लेते हैं टारगेट वगैरह की, टारगेट क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस पे टोटल 13 ब्रोकरेज हाउसेस की कवरेज है बाय और होल्डिंग की मिला के। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। एडलवाइज कैपिटल का मानना है कि होल्ड करें, टारगेट इनका गाइस टारगेट तो का अचीव हो चुका है 575 का था, जो कि अभी तो 625 गाइस इनका तो नेगेटिव ही है टारगेट। सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है बाय करके चलें, 590 पे इन्होंने बोला था, 800 का लक्ष्य है इनका। प्रभुदास लीलाधर का मानना है बाय करके चलें, 672 का टारगेट है इनका। इलारा सिक्योरिटीज़ का मानना है बाय करके चलें, 710 का टारगेट है इनका। बटीवाला एंड करानी सिक्योरिटीज़ का मानना है बाय करके चलें, 675 का टारगेट है इनका गाइस। एक्सिस कैपिटल ने टारगेट अपना रिड्यूस करा है 586 पे इनके बाय की रिकमेंडेशन आई थी, 630 का टारगेट है। ऐसे करके गाइस 575, 692, 660, 575, 750 ये सारे टारगेट्स हैं। एवरेज बात कर ली जाए गाइस तो जो सबसे लो टारगेट बन के आता है वो 575 का है। तो गाइस अभी 644 पे शेयर कर रहा है तो नीचे जा सकता है। ऊपर में सेकंड टारगेट जो एवरेज करा गया है 13 के 13 एनालिस्ट का सेकंड बनता है 638 का, उससे भी ऊपर ही है अभी। लास्ट और फाइनल टारगेट 710 तक जा सकता है शेयर एनालिस्ट के एवरेज के हिसाब से। तो ये थी गाइस सन फार्मा पे रिपोर्ट। तो टारगेट देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं है ब्रोकर्स के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी कुछ ब्रोकर्स का मानना है कि अभी सन फार्मा अपने लेवल से जो इसका एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल वैल्यू 670 वहीं के करीब है, 644 वो होनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू। तो ये सन फार्मा के ऊपर मेरी रिपोर्ट थी गाइस। मेरा पर्सनल मानना है कि 600 के करीब बाय करें और 670 से 700 तक जा सकता है शेयर, 700 तक जा सकता है। बाकी नीचे अभी 644 पे चल रहा है, 620-625 पे पहला सपोर्ट है, उसके बाद 600 पे ही है, वहाँ तक आएगा तो बाय करें गाइस। यहाँ पे अभी मेरी कोई सलाह नहीं बनती है इसमें पर्सनल। तो गाइस ये थी सन फार्मा के ऊपर हमारी डिटेल में बात। और गाइस एक बात और, अभी मैंने 2-4 दिन पहले फार्मा सेक्टर पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिप्ला के बारे में बाय के लिए बोला था कि 880 से 890 के बीच में बाय करें और 875 का स्टॉप लॉस रखें। गाइस जिसने बाय कराओ वो तो अभी पोजीशन को होल्ड कर लें। और नई पोजीशन के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अभी 875 के अप्रॉक्स चल रहा है शेयर, आप वॉच करें बाय ना करें। क्योंकि अगर ये 875 के बिलो क्लोज हो जाता है तो गाइस मुझे 850 से लेके 845 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, वहाँ पे बाय करें और अच्छा रहेगा। बाकी अपसाइड में मुझे 1,000 रुपये के टारगेट दिखते हैं सिप्ला में, ये मेरी अपनी राय थी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और ऐसे ही यार वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलती है। मौज लो, रोज लो। थैंक यू सो मच।